Good evening, all the viewers. This is Fahad Ashraf, and today I'm going to make you introduce a person whose name is not required for any sort of introduction. A person who always makes others laugh, and to make others laugh is not a piece of chocolate, whether it is an art which is gifted by God Almighty Allah. So let's bring on, with a lot of appreciation, the great legend, King of Comedy, Mr. Bashir. Sir, how are you today? I'm fine. Thank you, that's great. So, sir, as you all know about your practical life, that you always make others laugh on the television. So all of most of your fans like me want to know about your real life. That Muhammad Sharif, who makes people laugh on the television screen, does he remain the same in his real life? So what do you say about that? Mera bahut hi background jo hai wo koi film background nahi hai. मेरी फैमिली में कोई भी आदमी शोबिज में नहीं और ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये कोई एकेडमिक टैलेंट नहीं है, ना किसी एकेडमी ने इसको डेवलप किया है टैलेंट, और ना ही किसी ने मुझे लिखना सिखाया है, ना किसी ने मुझे बोलना सिखाया है, ना ही कोई मेरा टीचर है, ना मैं किसी का स्टूडेंट. मेरी जो लाइफ है वो प्योरली जैसे कहते हैं ना कि एक नेचुरल टैलेंट, जो बॉर्न एक्टर होते हैं या बॉर्न राइटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं या बॉर्न पोइट होते हैं या बॉर्न जो होते हैं वो स्टोरी राइटर होते हैं या बॉर्न कंपोजर होते हैं या बॉर्न सोशल वर्कर होते हैं, मतलब इन तमाम नेचर्स के साथ में पैदा होता. I was born with all these things. Okay? तो मेरा अपना जहन ये है कि आप कोई भी चीज जो है ना आप नहीं करते, आप सिर्फ आपको इंडिकेशंस मिलती हैं कि ये तुम में है. यानी एक फुटबॉलर बस अलगीलो और ब्यूटीफुल है कि एक पीले एक बहुत बड़ा ब्राजील का पेड़ था, उसने किक मारी, उसकी किक इतनी पावरफुल और इतनी एक्यूरेट थी कि वो उसमें चली गई पोल में. तो उसके कोच ने कहा कि तुम जो हो ना सिर्फ किक मास्टर हो, तो अपनी किक के ऊपर ध्यान दो, राइट. तो उसका टैलेंट सामने आ गया. ऐसे ही मैं जब इस फील्ड में आया तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मालूम नहीं होता. मैंने स्टार्ट में कह रहे हैं 1974 कैट्रिक हॉल, उसमें मैंने स्टार्ट किया. तो मेरी उस पहले एंट्री पर इतनी हुटिंग हुई, इतनी हुटिंग हुई, इतनी हुटिंग हुई, अगर मेरी पूरी दुनिया की हुटिंग जमा कर लें तो वो हुटिंग मेरे अकेले पे हो गई. एंड देट वॉज माई फर्स्ट प्ले. And that was the first entry when I stay in on the stage, enter and public started voting. Oh, wabas jao, wabas jao, wabas jao. And that time, I had to decide कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे I have to face. और वो पहला वक्त था कि मुझे एक आदमी ने हॉल से हूट किया और मैंने उसको आंसर दिया ऑन स्टेज. स्टेज की ये हिस्ट्री है कि उस वक्त 1974 में स्टेज एक्यूरेट होता था, स्क्रिप्ट बाय लाइन टू लाइन, वेरी डिसिप्लिन. तो 20-20, 25-25 रिहर्सल्स होती थी और एक दिन के ड्रामे के लिए खुद आर्टिस्ट अपने कपड़े प्रेस करते थे, खुद आर्टिस्ट अपने प्राप्त लेकर जाते थे, खुद वो रिहर्सल करते थे, ज्यादा गंदे रिहर्सल. तो वो जो मैंने आंसर किया वो इतना टाइमिंग में था और इतना एब्रप्ट था और इतना स्पॉन्टेनियस था कि वो लोगों को अपील कर गया, एक बड़ी थंडर क्लैप हो गई. और वो क्लैप ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता, और अगर मैं चला जाता जो कि कुदरत ने मुझे नहीं जाने दिया, वहां उसने मुझे एक जुमला आता फरमा दिया, ये सब अल्लाह की अता है. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं
कि जो भी स्टूडेंट्स जो जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में हैं, मेडिकल में हैं, मेडिसिन में हैं कि और किसी भी प्रोफेशन में हैं, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, किसी मार्केटिंग मैनेजर है, उनको सबको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनके अंदर सलाहियत क्या है और उसी फील्ड को चूज करना चाहिए। ये मैंने बहुत ड्रामों में बात बोली अपने और ये बहुत जगह पर होगी। तो आपका लक क्या होता है कि आपको वो फील्ड मिल जाए जिसके लिए आप हैं, यानी कि राइट टाइम राइट प्लेस पर आप पहुंच जाए, तो वो सक्सेस पहली सक्सेस आपकी वो होती है कि आप राइट प्लेस पर राइट टाइम पर है और राइट पर्सन। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं उसी फील्ड में चला गया जिसमें कि मुझे जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। आपने ही मुझे पूछा कि आप कैसे इस, मैंने आपको बताया कि ये मेरी चॉइस नहीं है, ये वक्त ने मुझे उस सही जगह पे लाके खड़ा कर दिया। आप समझे ना, वक्त मुझे ले आया सही जगह पर। आपने बताया मुझे वक्त मुझे सही जगह पर लेकर आया। अगर वक्त मुझे सही जगह पर नहीं लाता और अल्लाह ताला मुझे ये गाइडेंस नहीं देते तो मैं होटेंगे। अच्छा देखिए, जब व्हेन आई स्टार्ट माय करियर 1974 इन पाकिस्तान, राइट नाउ वी आर सिटिंग इन 2010 और पाकिस्तान में कोई एकेडमी नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, अभी भी नहीं है, बट टैलेंट आ रहा है, है ना? टैलेंट की कमी नहीं है इस मुल्क के अंदर, टैलेंट फिर भी आ रहा है, राइटर्स भी आ रहे हैं, डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, एक्ट्रेस भी आ रही हैं, एक्टर भी आ रहे हैं, एंकर भी आ रहे हैं, देखिए ना, हर किस्म के होस्ट आ रहे हैं, हर किस्म के एक्टर आ रहे हैं, हर कैटेगरी का एक्टर आ रहा है ना? तो इसका मतलब यह है कि खुदा जिन लोगों को टैलेंट के साथ पैदा करता है वो अपनी जगहें बना लेते हैं। पर फर्स्ट थिंग जो मैं आपको एक जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, आप अपने अंदर ढूंढिए कि आप कौन हैं, ढूंढिए अपने अंदर, और फिर जब आपको पता चल जाए कि आप ये बन सकते हैं तो वही बनिए, फिर उसी में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। तो मैंने ढूंढा नहीं, मुझे मिल गया इंसिडेंटली कि मैं ड्रामा लाइन में चला गया, मगर फिर ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ा जुआ है, एक बहुत बड़ा दाव है जो आपको खेलना पड़ता है, पूरी जिंदगी का दाव, क्योंकि आप, मगर इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लड़के शौक करना चाहते हैं, शौक में ये काम करना चाहते हैं, प्लीज़ पहले अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दें। अब हमें जो ज़रूरत है वो एजुकेटेड आर्टिस्टों की ज़रूरत, जिनमें एक पढ़ा लिखा इंसान मौजूद हो, ताकि वो उसका लुक एजुकेटेड हो। इसलिए आप अपनी तालीम पे तवज्जो दें। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर आदमी निकल के इसमें से हीरो बन जाए, तो फिर तो आप अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेंगे। तो आपके पास तालीम होनी चाहिए ताकि आप अपने और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके शोल्डर्स पर हैं जो आपने पूरी कर रही हैं, आपकी मैरिज और बिफोर मैरिज योर पेरेंट्स, तो आपको उनको देखना है। तो उनको देखने के लिए आपके पास तालीम ज़रूरी है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये फील्ड आपको ना सूट करे, आप इस फील्ड को सूट ना करें, तो आपके पास कोई ऑप्शन होनी चाहिए। तो उसको कभी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी होती है स्टार्ट में कि आपको अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करना। तो इसको एक तो ये मेरे जिंदगी ने मुझे ये सिखाया कि ये ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ, आखिरी मेरे ये आपको पैगाम लाइन है कि प्लीज़ अमन के लिए काम करें। अमन जो हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला पैगाम है, वो है अमन, दोस्ती, भाईचारा। हम लड़ेंगे आपस में तो फ़ायदा चौथे पाँचवें, हमें प्यार करना है आपस में, क्योंकि मेरी जबान से वो कलमा निकलता है आपकी जबान से।
मेरा खून आपका खून एक है, मैं जिसके आगे सर झुकाता हूँ वही सर आप भी झुकाते हैं उसी के आगे, जिससे मैं मांगता हूँ उससे आप मांगते हैं, तो उससे हम खैर क्यों नहीं मांगते, हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत क्यों नहीं मांगते, हम एक दूसरे के लिए प्यार क्यों नहीं मांगते, हमें मानना चाहिए। हम मेरी बात सुन के अगर आप उठें और आज आपके दिल में अपने किसी दोस्त के लिए कोई गुस्सा कोई नफरत कोई पुरानी बात है तो प्लीज़ उसे गले लगाइए और उसे कहिए यार मेरे दिल में ये बात है, उस बात को निकाल के ख़त्म कर दें। ये मेरा